सब्सक्राइब करिए आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक उषा का आधे एचपी का मोटर। इस वीडियो में मैं आपको इसकी फुल रिवाइंडिंग और इसका फुल डेटा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिब रिजवी और आप देख रहे हैं आरएस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस मोटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम प्लेट है इस पे कुछ साफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 0.37 kW and 0.5 W, और ये इसका आरपीएम जो है 2800 RPM। चलिए दोस्तों, अब इसकी स्टंपिंग के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्टंपिंग जो है आपको स्केल से या जो चीज़ आप नापने के लिए उससे नापें। इसकी स्टंपिंग जो है 4 mm की है, इसकी स्टंपिंग 4 mm। आइए दोस्तों, इसकी रनिंग डेटे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा रनिंग कॉइल है जो 4 का आपको 2 सेट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें जो आपको वायर यूज़ करने हैं, आपको 24 नंबर वायर यूज़ करने हैं, और आपको जो इसमें टर्निंग करना है आपको इसमें 78, 78, 78 और 80 टर्निंग इसमें आपको रनिंग के कॉल में करने हैं। और दोस्तों, जो इसमें रनिंग वेट रहेगा ये आपको 410 ग्राम के लगभग इसमें रनिंग वेट इसका रहेगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्टिंग कॉइल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है 2 का, आपको 2 सेट बनाना पड़ेगा। इसमें जो आपको वायर यूज़ करने हैं वो वायर आपको 28 नंबर यूज़ करने हैं, और दोस्तों जो इसमें टर्न आपको यूज़ लेना है वो आपको 160 और 170 टर्न इसमें यूज़ करना है। और जो इसका वेट रहेगा दोनों सेट का स्टार्टिंग कॉइल का वो आपका 220 ग्राम इसमें लगेगा। तो दोस्तों, आइए आपको नाप लेके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको जिसमें नाप लेना है इसको 1 और 5 में, यानी 4 स्लॉट छोड़ के आपको एक कोई भी 28 या 29 नंबर कॉपर वायर से लेने हैं। जैसे जितना इधर है आपका उतना उधर भी रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब कॉइल आपको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा नाप है, इसको आप फरमे पे कस के और तार को निकालने के बाद आप 24 नंबर तार लीजिए, और वायर को किसी कपड़े या किसी कागज़ से आपको अच्छे से पकड़ के और कॉइल बनाइए। तो दोस्तों, ये मेरे पास फर्मा है, इससे मैं कॉइल बना रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा कॉइल जो है ये एक सेट जो है बन के तैयार हो गया है। ये चौथा कॉइल मैं बना रहा हूँ इसका। तो दोस्तों, ये मेरा कॉइल बन गया है। अब आप किसी कॉपर वायर से या धागे से आपको एक पर कॉइल को एक एक करके आप बांध लीजिए। हर एक कॉइल को अलग अलग आपको बांधना है, और कॉइल बांधने के बाद आपको इसको फर्मे से निकाल लेना है।
ऐसे ही आपको एक सेट कॉइल और बनाने हैं, यानी रनिंग का दो सेट आपको, ऐसे चार का दो सेट आपको बनाना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब स्टार्टिंग कॉइल बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग कॉइल रहेगा वो आपको दो, जिससे आपने कॉइल बनाया था दो खाने छोड़ के आपको तीसरे और चौथे से बनाना है, और कॉइल को हल्का थोड़ा छोटा भी कर लेना है फर्मे को। उसके बाद आप स्टार्टिंग कॉइल को आपको बनाना है, आपको इसको दो का सेट, दो कॉइल का आपको दो सेट आपको बनाना है। दोस्तों इसको भी आपको कॉपर वायर से आपको बांध लेना है कॉइल को, बांधने के बाद इसको निकाल देना है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसमें इसको आपको मोटर में इंस्टॉल करके कॉइल को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा रनिंग कॉइल है, अब मैं इसको मोटर में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप किसी भी एक स्लॉट में इसको पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, किसी एक कॉइल में स्लॉट में आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको पीवीसी सीट का टुकड़ा लेना है, उसको यू टाइप फोल्ड करके और स्लॉट के ऊपर आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपने जिस कॉइल को जिस भी चीज़ से बांधा उसको खोलने के बाद कॉइल को थोड़ा सा बराबर करके और आपको चार स्लॉट छोड़ के, एक दो तीन चार, चार स्लॉट छोड़ के आपको पांचवें स्लॉट में इसको इंस्टॉल करना है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से एक पीवीसी का टुकड़ा लेना है, उसको यू टाइप फोल्ड करके और स्लॉट के ऊपर लगा लें। तो दोस्तों इसको लगाने से क्या होता है, ताकि आपका कॉइल जो है वो बॉडी पर टच ना हो। उसके बाद आपको कॉइल को अच्छे से बराबर करके, थोड़ा अच्छे से आप उसको बराबर करके दोनों तरफ, और आपको फोल्ड कर देना है अच्छे से। इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए दोनों तरफ, आपको फोल्ड करना है। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो रनिंग का पहले कॉइल का सेट का जो पहला कॉइल था वो डल चुका है, उसको इसके कॉइल के रनिंग के ठीक ऊपर आपको दूसरा कॉइल डालना है। दोस्तों इस आपको सभी कॉइल को, कॉइल के ऊपर आपको पीसीट का टुकड़ा लगाना है, आपको हर कॉइल, प्रत्येक कॉइल के ऊपर। दोस्तों ये मेरा
जो पहले सेट का दूसरा कॉइल था वो भी आपको स्लॉट में डल चुका है। 220 के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कॉइल तीसरा वाला इंस्टॉल करना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जो पहला सेट था उसका तीसरा कॉइल पे ये डल चुका है। आपको डालने के बाद आपको अच्छे से इसको बराबर करके आप अच्छे से इसको नीचे से फोल्ड कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब चौथा कॉइल इंस्टॉल करते हैं, ठीक यहाँ पे, और यहाँ पे इस स्लॉट में आपको डालने हैं। तो दोस्तों जैसे आपको हर स्लॉट के ऊपर आपको पीवी सीट का टुकड़ा लगाना है, तो दोस्तों ये मेरा पहले सेट का चौथा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया है। दोस्तों आपको इसको अच्छे से बराबर करके आप और नीचे फोल्ड कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इसकी वाइंडिंग हुई है। तो दोस्तों चलिए अब हम दूसरा सेट रनिंग का इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा सेट है रनिंग का। दोस्तों आपको इसको ध्यान से देखना है कि ये किस स्लॉट में आपको डालना है। आपको यहाँ ऊपर से तीन स्लॉट छोड़ के चौथे स्लॉट में आपको डालना है, यानी ऊपर से तीन स्लॉट आपको खाली छोड़ना है और आपको चौथे स्लॉट में इसको डालना है ऊपर से। उसके बाद आपको पीवी सीट लगा देना है। उसके बाद जिस चीज़ से आप कॉइल को बांधे हुए हैं उसको खोल के और कॉइल को बराबर करके आपको बीच में चार स्लॉट, 1 2 3 4 चार स्लॉट छोड़ के पाँचवें स्लॉट में आपको डालना है। दोस्तों आप फिर आपको वैसे आपको करना है कॉइल को बराबर करके और दोनों तरफ आपको बराबर कर देना है। फिर यहाँ पे स्टिक इसके ऊपर आपको दूसरा कॉइल आपको इंस्टॉल करना है, दूसरे सेट का दूसरा कॉइल।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पिजिट का टुकड़ा लीजिए, आपको स्लॉट के नाप के बराबर रहना चाहिए। उसके बाद यू टाइप फोल्ड करके और उसको स्लॉट में लगा लें। उसके बाद आपको अच्छे से इसको फोल्ड करके बराबर करके और फोल्ड कर दें। दोस्तों चलिए अब यहाँ तीसरा कॉल यहाँ पे और यहाँ पे आपका डलेगा। इसको अच्छे से बराबर कर लें आप। बराबर करके बाद हर कॉइल को आपको बराबर करके और फोल्ड कर देना है अच्छे से। दोस्तों चलिए आपको अब रनिंग का आखिरी कॉइल, दूसरे का आखिरी कॉइल यहाँ पे और यहाँ पे आपको डालना है। दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों आपको हर स्लॉट के ऊपर आपको पीवीसी का टुकड़ा लगाना है। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा रनिंग कॉइल जो है ये डल के तैयार है। दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इसकी वाइंडिंग हुई है। दोस्तों चलिए अब इसके कनेक्शन को मैं बताते हैं। ये आपका आउटर वायर और ये इनर वायर, ये आपका आउटर है, ये इनर वायर है और ये आउटर वायर है। आपको आउटर टू आउटर आपको जोड़ लेना है, नहीं ऐड कर लेना है। आप इसको किसी चीज़ से जला के जलने के बाद इसको इसके इंसुलेटेड साफ करके और इसके ऊपर स्लिप लगा के और इसको जोड़ देना है। अगर आप इसको सोल्डिंग कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और नहीं करेंगे तो कोई भी बात नहीं, लेकिन अगर है आपके पास सुविधा तो आप इसको सोल्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके ऊपर ये जो स्लिप है इसको ये देख सकते हैं दोस्तों, आउटर टू आउटर आउटर, इसके ऊपर आपको स्लिप लगा लेना है। दोस्तों अब चलिए इसमें स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल है। तो दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल एक डालना है और एक यहाँ पे। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल का पहले सेट का पहला कॉइल भी इसमें डल चुका है।
आपको बराबर करके इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। आपको यहाँ पे इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आपको दूसरा कॉइल आपको इंस्टॉल करना है। दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जो स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट था वो भी डल चुका है। दोस्तों दूसरा सेट चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा कॉइल है। और दोस्तों आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसके अंदर डालना है स्लॉट के अंदर। तो दोस्तों की जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग का दूसरे सेट का पहला कॉइल भी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब इसके ऊपर जो स्लॉट बचते हैं इसमें दूसरा कॉइल, इसका दूसरे सेट का दूसरा कॉइल इसमें इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ भी समझ में ना आए, आप कोई चीज़ ना समझ पाए, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा स्टार्टिंग कॉइल भी इंस्टॉल हो गया है, दूसरे सेट का दूसरा कॉइल। दोस्तों अब इसको आपको अच्छे से बराबर करके और उसको नीचे की तरफ जो आपने पहला कॉइल डाला था उसी के ऊपर नीचे दबा देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्टिंग कनेक्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने रनिंग वाला किया था वैसे स्टार्टिंग का भी करना है। ये इनर वायर है, ये आउटर है, ये आउटर है, ये इनर है। आपको आउटर टू आउटर को आपको जोड़ने हैं। आपको वैसे अगर कॉपर वायर है तो उसको आप जला लीजिए, और जलाने के बाद उसको इंसुलेटेड साफ करके और आपस में आउटर टू आउटर वायर जोड़ लेना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।